लोग आपके प्रशंसक हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, ये आपका जलवा है। ये जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ माँ बाप उठाए हुए हैं। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने, अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जीवन में तीन चीज कभी एक जैसी नहीं होती, आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होते हैं वो सदा दूसरों का सम्मान करता है। मिट्टी के बने शरीर को ये गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दिल से नजर निभाने वाले दिल में नहीं, ब्लॉकलिस्ट में मिलते हैं। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा, ये मेरा नहीं नियति का नियम है। सही सही ही रहेगा चाहे सभी विरोध में हो, और गलत गलत ही रहेगा चाहे सभी पक्ष में क्यों ना हो। खोई हुई चीज अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे कि वक्त और बचपन। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है जनाब। एक बार अपने मन की कर ली तो सारी अच्छाइयां बुराइयों में बदल जाती है। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या फिर बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल जाता है। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतफहमियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार ये डोर टूट जाए तो उसका पहले जैसा जुड़ना मुश्किल है। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। इंसान की चाहत है कि उसे उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का नया अंदाज सिखाता है। ये कलयुग है जिसके सामने आपका कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। जब कुछ पाने की चाह हो तो गरीबों जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबको आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय ये मन एकाग्र रहता है। विचार करना, गड़बड़ कहाँ है। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। कितना अजीब है ना, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। शुक्र इस बात का है कि उसने दुख सहने वालों में रखा है, हमको दुख देने वालों में नहीं। इस मानव समाज से नेकियां और नोकिया दोनों ही धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। सत्य एक छत्ता है मधुमक्खी का, शहद है पर डंक का खतरा भी है। प्रेम सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ब्याज सहित वापस अवश्य करता है।